उठाने के लिए युद्ध हुए। शुक्राचार्य को चैन नहीं पढ़ावा था, सूक्ष्म रूप धारण किया और सूक्ष्म रूप धारण करके सागर की टोंटी में बैठ गए। जब सागर की टोंटी में बैठ गए, जल निकल नहीं जा रहा, वामन भगवान समझ गए, कहने लगे राजावल जल क्यों नहीं बह रहा, शांति बनाए रखे थोड़ा, कथा हम बात नहीं करते हैं, अगर ये भी समय बातों में ही निकल गया, ऐसा समय बार बार नहीं मिलता है, चुप रहो, जो खुद सुखी और पड़ोसी सुखी, ठीक है। जब कथा को सुनते हो तब तन और मन, धन आपकी इच्छा है, आप जितना दोगे उतना जाएगा, लेकिन कथा में जितनी देर, वो तुम्हारी इच्छा है, जितनी भी देर बैठो, लेकिन उतनी देर तन और मन से बैठो, बात नहीं करनी चाहिए, आप समझदार हो, बार बार समझाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ हो तो महाराज जब टोटी में सूक्ष्म रूप धारण करके बैठ गए, बामन भगवान कहने लगे आप ऐसा करो, आप इस सागर की टोटी में कोई लकड़ी डाल कर पूरा करकट होगा वो अपने आप निकल जाएगा, और जैसे ही बल ने सागर की टोटी में लकड़ी को डाला, वैसे ही शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, अब बाहर निकल करके खड़े हो गए, बलि तुझे जैसा देखे वैसा करो, और परीक्षित महाराज जी जो पहले ही मान जाते तो काय के लिए आंख फूट जाती, अगर वो पीछे उद्यम नहीं, पीछे से आगे आ जाइए, कौन है जैसा भी, जब भी कोई दान करता है तो उस दान में कभी बगैर नहीं डालना चाहिए, न पाप उस दान करने वाले का नहीं है, वो स्वीकार करने वाले का पड़ता है। तो महाराज संकल्प भी छोड़ दिया कि हम तुम्हें 3.5 लगन पृथ्वी देंगे, कहां से नाप है, भले ही कहने लगा ये भी कोई पूछने की बात, आप तो मेरे राज्य में, मेरे घर में, मकान में, महल में, जहां अच्छी जगह लगे आप वहां नाप लीजिए। बामन भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया, एक पग में आकाश को नाप लिया, दूसरे पग में पाताल को नाप लिया, तीसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया, आधा कदम बाकी रह गया, आधा कदम कहां नाप है। राजा वल कहने लगा महाराज ये आधा कदम मार मेरी पीठ पर नाप लीजिए। बामन भगवान कहने लगे भले हम तुम्हारे इस दान से बहुत खुश हैं, आप हमसे कुछ मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। बोले कहने लगा आपसे और हम मांगने, अभी तक तो आप भिखमंगाओं की तरह हमसे मांग रहे थे और एक भिखारी से हम क्या मांगे। बामन भगवान ने कहा फिर भी आप कुछ मांग लो। तो बल ने कहा कि मैं जिस तरफ देखूं तो मुझे आपके ही दर्शन हो, ठीक है ऐसा ही होगा। अब नजर कोई ऐसी नहीं है जो उठा करके दूसरी जगह रखी जाए, परीक्षित जी नजर तो एक मिनट में 1000 जगह जाती है, तो दौड़ करके बामन भगवान कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, बामन भगवान का कबड्डी से खेल लेगा जब बलि के दरवाजे पे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, इधर क्षीर सागर में लक्ष्मी जी बहुत परेशान है, नारद जी को पूछा, नारद जी बहुत दिन गुजर गए, पता नहीं बामन भगवान कहाँ चले गए, विष्णु भगवान लौट कर क्यों नहीं आए। नारद जी कहने लगे तो तुम अपना डकती क्यों, कोई ने दान में आगे बढ़ते दी गए बाल पहुंच जाते तुम्हारे पति परीक्षा ले गए, मतलब यह है कि राजा बल दान में बहुत बड़ा दानी राजा था, 99 के पूरे कर लिए थे, 100 की तैयारी थी, तुम्हारे पति ने बामन अंगुल का भेष धारण किया, राजा बल के दरवाजे पर जाकर के संकल्प छुड़वा लिया और दरवाजा भरवा लिया, 3.5 कदम पृथ्वी को मांग लिया, 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया, 1 कदम में बलि ने अपनी पीठ को नपा दिया। तुम्हारे पति ने कहा आप हमसे कुछ मांग लो,
तो बल ने तुम्हारे पति को ही मांग लिया। लक्ष्मी जी कहने लगे, नारद जी अब मेरे स्वामी कैसे आएंगे? एक ही उपाय है। कौन सा? सावन का महीना चल रहा है और हर सावन के महीने में हर बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है। और भाइयों, ये दो पवित्र त्योहार होते हैं, सावन का महीना और भैया दूज। एक बहन भाई का पवित्र रिश्ता होता है। बहन चाहे कैसी भी हो लेकिन अपने भाई को जान से ज्यादा प्यार करती है। जिस कर्म से वो भाई जन्म लेता है उसी गर्व से वो बेटी जन्म लेती है। माँ बाप ने दोनों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। बड़ा करने के बाद बेटी की शादी करके पढ़ाई घर में भेज दिया। बाहरे दुनिया के दस्तूर, इन बेटियों को पराया क्यों कहा जाता है? इन बेटियों का अपने ही घर पर अधिकार क्यों नहीं रहता है? जब बेटी पैदा होती है तो माँ बाप को चिंता सताने लगती है। जैसे ही आंगन में बेटी धीमे 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 बड़ी होने लगती है तो माँ बाप उनकी चिंता धीमे 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 बेटी के साथ बड़ी होने लगती है। बेटी शादी के योग्य हो जाती है तो बेटी की माँ कहती है, कहीं अच्छा सा देख करके मेरी बेटी का विवाह कर दो। एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी के लिए घर ढूंढता है। जब घर मिल जाता है तो वर नहीं मिलता है, जहां वर मिल जाता है तो घर नहीं मिलता है, और जहां घर पर दोनों मिल जाते हैं वहां देने के लिए उस बाप के पास पैसा नहीं होता है। लौट करके जब बूढ़ा बाप कोने में बैठ करके रोता है तो बाप की आवाज को सुनकर के बेटी खड़े होकर के रोती है, काश इस घर में मेरा जन्म ना होता तो मेरे कारण मेरे माँ बाप इतने दुखी ना होते। जिन बेटियों के पाप नहीं होते हैं, जैसा भी घर ढूंढ ढूंढ दो इस बेटी ने कभी जाने से इनकार नहीं किया होता। इन बेटियों को एक औरत क्यों कहा जाता है? इस स्त्री को एक औरत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने हमेशा औरों के लिए जीना सीखा होता। जन्म हुआ तो अपने माँ बाप अपने भाई के लिए जीना भरना शुरू कर दिया। धीमे धीमे बेटी बड़ी हुई, शादी हुई तो पराए घर में जाकर के उस बेटी ने अपने सास ससुर अपने पति के लिए जीना मरना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा जब बेटी की शादी हो जाती है तो भाई घूमने जाता है बहन की यहाँ पर, तो बहन कहती है भैया थोड़ा माँ बाप को अच्छे तरीके से रख लेना क्योंकि मेरी भाभी थोड़े वैसे सुहागी है, पता नहीं माँ बाप कब चले जाए, इस दुनिया से कब चले जाए। तो लड़की को पराए घर में जाकर भी अपने माँ बाप की चिंता होती है। और उसके साथ साथ ये लड़की जब माँ बनी तो इस बेटी ने अपनी औलाद के लिए जीना मरना शुरू कर दिया। जब बेटा इस तरफ लीला करता है तो माँ इस तरफ लेटा लेती है, जब बेटा इस तरफ लीला करता है तो वो माँ सारी रात उस बेटे को अपने सीने पर लेटा करके सो जाती है। क्या वो माँ कभी ये आशा करती है कि ये बेटा मुझे बुढ़ापे में रोटी नहीं देगा? जब बेटी का विवाह हो जाता है तो बेटी अपने आंगन में ठपक ठपक के रोती है, कभी दूसरे लोगों को देखा नहीं, कभी दूसरों के घर में कोई जान पहचान नहीं, हमेशा माँ बाप के साये में पलती रही।
ये मेरे भाई माँ बाप को दुखी करता है तो बहन सोचती है क्यों नहीं ये माँ बाप मेरे साथ जाते हैं। काश ये दुनिया का दस्तूर होता कि आधे समय तक माँ बाप बेटी के हिस्से में आ जाते हैं, एक बेटी के बाप नहीं होते हैं। जब शादी हो जाती है तो एक माँ अपनी बेटी को उस कमरे में ले जाकर के रोती है जहाँ उसके मरे हुए बाप की तस्वीर लगी होती है। बेटी मांग ले तू अपने बाप से आशीर्वाद, तो बेटी रोती है पिताजी। हर बेटी के पिता विदा करने के लिए आते हैं, क्या आप हमें विदा करने नहीं आओगे? तो मरी हुई तस्वीर से आवाज आती है, बेटी बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में भारी प्यार मिले। एक बेटी की मांग पर सब कुछ दिया, बाप ने अपनी औकात से ज्यादा दिया, लेकिन जब बेटी रोती है तो एक बाप गाड़ी को पकड़ करके खींचता चला जाता है, बेटी बेटी। तो भाइयों बारात में आए हुए इंसानों की जेब से रूमाल निकल आते हैं आंसू पोंछने के लिए। आज ये बाप अपनी बेटी के लिए रो रहा है, एक दिन हमें भी अपनी बहन बेटियों के लिए रोना पड़ेगा।